सतीश प्रजापति, नेशनल पब्लिक लाइव चैनल से पत्रकार मथुरा। आज हम श्री कृष्ण के परम भक्त श्री रसकांत जी की समाधि स्थल पर आए हैं। रसकांत जी का जन्म दिल्ली में संवत 1590 के लगभग एक शाही पठान वंश में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली में भीषण कलह की वजह से उभरकर संवत 1612 से 1551 ईस्वी में रसकांत ब्रज में चले आए। यहाँ भक्त के भेष में घूमते रहे। 252 वैष्णव की वार्ता में 245वीं वार्ता भक्त कवि रसकांत की है। उनके अनुसार रसकांत गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के कृपा पात्र सेवक हुए। जिन जिन लीलाओं के दर्शन रसकांत को गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के स्वरूप के हुए, उनके वर्णन उन्होंने काव्य के रूप में किए। रसकांत की रचना में सरसता और प्रेम उत्कर्ष का मूर्त रूप है। उनकी रचनाएं भक्ति सर में से ओतप्रोत हैं। ब्रज की लालपताओं और कृष्ण कन्हैया की मधुर छवि पर उन्होंने अपने आप को नौछावर कर दिया। रसकांत ने संवत लगभग 1570 ईस्वी के बाद गोकुल में विट्ठलनाथ जी से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। यहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण जी की रचना, जिसमें संवत 1671-1614 में प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की, जिसमें 53 दोहे हैं। रसकांत जी ने 400 रोटे, 225 सवैये, 20 कादित और 5 पद मिले हैं। कुल मिलाकर 310 छंद प्राप्त किए हुए हैं। भक्त रसकांत जी फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं का ही ज्ञान रखते थे। और भक्त रसकांत ने एक भागवत पुराण में, भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया है। तो आइए हम भक्त रसकांत जी की समाधि तक आपको ले जाना चाहते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा कैमरे को दिखाएं। आप देख सकते हैं भक्त श्री कृष्ण भक्त रसकांत जी की समाधि। मैं कैमरा मैन दिखाऊंगा, जरा रसकांत जी की समाधि को दिखाएं। चारों तरफ से कितना सुंदर वातावरण यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। जरा कैमरे को दूर दूर तक दिखाएं, कितना स्वच्छ हरा भरा वातावरण। जरा पूरी तरीके से समाधि की तरफ फोकस करें। श्री कृष्ण भक्त जो रसकांत जी हैं, उनकी समाधि स्थल पर यहाँ पे जो मैनेजमेंट संभालते हैं, जरा उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। मैं अनुपम कुमार, इसमें मैनेजमेंट में मैं संभाल रहा हूँ, इंचार्ज हूँ। ये रसकांत जी की समाधि है। वही रसकांत जो दिल्ली के रहने वाले थे, आज से 16वीं शताब्दी में 500 वर्ष दिल्ली छोड़ वो वृंदावन आ गए थे। वृंदावन आके उन्होंने कृष्ण के बारे में इतना जाना कि कृष्ण को पाया। सैयद इब्राहिम से रसखान कर दिया कृष्ण ने। और इसी स्थान पे श्री कृष्ण ने विराट रूप प्लस बाल रूप दोनों के दर्शन दिए थे। जब रसखान 85 वर्ष के हो गए तो रसखान ने कहा, हे प्रभु अब तो दर्शन दे दे मुझे, अब तो दर्शन दे दे। तो फिर कृष्ण दौड़े दौड़े आए और इसी स्थान पे बाल रूप प्लस विराट रूप दर्शन दिए। इसी स्थान पे जूतियां पहनाई और इसी स्थान पे अंतिम सवैया लिखा रसखान ने। वो क्या लिखा? मानो सहो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाव के द्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नितानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बतेरो करो मेले, कालंदी कूल कदंब की डारन। रसखान जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे धन दौलत माया कुछ नहीं, मुझे सब परे हूँ। मुझे चाहिए तो अगला जन्म यह देना, मुझे तो मनुष्य का जन्म देना तो गोकुल में दे देना। मुझे पशु बनाना तो गाय की नंद बाबा की गाय बना देना। मुझे पंछी बनाना तो यमुना के तट पे कदम की डालियों पे चहचहाट करूं वो पंछी बना देना। मैं पर्वत बनाना तो गोवर्धन जैसे छोटा पर्वत बना देना जिस पे मैं हर समय वहाँ पे भजन करूं। तो बस इतना कहते कहते रसखान इसी स्थान पे विलीन हो गए थे और विट्ठलनाथ जी इनके गुरु हुए, इनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी इसी स्थान पे। इनकी बहन भी हैं ताजवी भी, इनकी गुरु बहन हुई, उन्होंने भी शिक्षा दीक्षा गुरु विट्ठलनाथ जी से ली थी। इन्होंने भी तो गुरु भाई बहन का दर्जा मिल गया। वो भी महावन की रहने वाली थी, अली खान की पुत्री थी। इसी स्थान पे उन्होंने कृष्ण के विराट रूप प्लस बाल रूप के दोनों के दर्शन किए और जीएल यूनिवर्सिटी ने इसको गोद ले लिया है 5 साल के लिए विद मेंटेनेंस अडॉप्ट ए हेरिटेज के थ्रू, जो गवर्नमेंट से देखभाल चल रही है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि भैया के द्वारा इतनी जानकारी दी गई। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।